आरा में मालगाड़ी ट्रेन बेपटरी हुई, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इंजन का एक पहिया पटरी से उतर गया। गुरुवार को 2:10 पर एक बार फिर आरा रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसको लेकर वहां काम कर रहे कर्मी भाग खड़े हुए। एक महीने में यह तीसरी बार है जब ट्रेन का पहिया आरा में उतर गया है। जी हां, यह तीसरी बार है जब ट्रेन का पहिया उतर गया है। दानापुर से अधिकारियों के नेतृत्व में इंजीनियर की टीम आरा पहुंची। इसके बाद पटरी पर ट्रेन को चढ़ाने का काम शुरू हुआ। ट्रेन का एक पहिया नीचे उतर गया था, अफरा तफरी मच गई थी। मालगाड़ी पर सीमेंटेड स्लीपर लगाया गया था, जो आरा रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर लगाया जाना था। देर शाम तक काम चला, बाद में पहिया को चढ़ा लिया गया। पिछले माह 14 जून को आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर 75273 आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन बेपटरी हो गई थी। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ट्रेन का इंजन एवं बॉगी पटरी पर से उतर गया था। इसके बाद यात्रियों से भरी आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन झटके के साथ जैसे ही उतरी, अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। अपलाइन पर मालगाड़ी पानीपत जा रही थी, तभी आरा सासाराम ट्रेन को ड्राइवर ने बिना सिग्नल के ही खोल दिया। 14 जुलाई को भी घटना घटित हुई थी। पिछले 14 जुलाई को भी आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर ट्रेन डिरेल हो गई थी। मालगाड़ी का पहिया उतरने से अफरा तफरी मची थी, बाद में उसे चढ़ा लिया गया था। एक बार फिर गुरुवार को यानी 18 जुलाई को जिस तरह से ट्रेन डिरेल हुई, आप वीडियो में देखिए किस तरह से ट्रेन डिरेल है।